Hello friends, how are you all? We are the Ghost Hackers teams and myself Samarjit Yadav, a cybersecurity analyst and a bug bounty hunter. So in this video, we are going to discuss about some easy and effective ways to find out a job. अगर आप कोई भी job find करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके लिए कुछ important tips हैं, जैसे आप कभी भी कोई भी job ढूंढ रहे हैं तो उसको एक job की तरह लीजिए. लाइक 8 से 9 घंटे तो आप डेली डेली वहां पे बैठिए, एटलीस्ट सर्च करिए कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी जॉब्स अवेलेबल है एंड कौन सी कंपनीज में है, उसकी एक पूरी लिस्ट बनाइए. देन आपको सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स फाइंड आउट करने हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म है. लेट से Naukri.com है या फिर इंडीड है, ग्लासडोर है या फिर लिंक्डइन है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है जॉब्स के लिए. तो आगे पढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस मिलते रहें. लाइक इन फ्यूचर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉक की एक सीरीज, और उसके अलावा स्प्लंक की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ताकि जितने भी साइबर सिक्योरिटी के जो फ्रेशर्स हैं उनको एक डायरेक्शन मिल सके, उनको पता लग सके कि कैसे स्प्लंक यूज किया जाता है और कैसे हम ट्रैफिक मॉनिटर करते हैं सॉक में. सो नेक्स्ट इज लिंक्डइन सर्च. लिंक्डइन सर्च, अगर आप लिंक्डइन पे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको लिंक्डइन पे होना है. ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और वहां पे आप हैं तो किस टाइप से सर्च करते हैं, कौन से आप कीवर्ड्स डालते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इसका मैं प्रैक्टिकल करके अभी दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे हमें सर्च करना है और कौन से कीवर्ड्स सर्च करना है, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है. उसी के रिगार्डिंग हमें बहुत जल्दी जॉब मिल सकती है, ये कह सकता हूं मैं. नेक्स्ट है, अगर लिंक्डइन पे है तो सबसे पहले आप किससे कनेक्ट करना है आपको, वो एचआर है. एचआर ही वो सारी की सारी चीजें निकालता है, क्योंकि एचआर एज ए ह्यूमन रिसोर्स है, राइट. जितनी भी जॉब्स होगी एचआर ही बताता है कि हाँ हमारे कंपनीज में ये जॉब्स हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो अप्लाई कर सकता है. या फिर कंपनीज के जैसे लेट से कि एसेंचर है या फिर कोई अच्छी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, डेलॉइट है, इन सभी को आप कनेक्ट करिए और इनके पास जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन है आपके फील्ड से रिलेटेड, जितने भी पर्सन है, लेट से कि आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो उन बंदों को आप इन सब कंपनीज में ढूंढो जिनसे आप रेफरल ले पाओ. यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें उस एम्प्लॉय से कनेक्ट होना है. अगर आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आप जितने भी सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं उस कंपनी के पर्टिकुलर, उनसे आप कनेक्ट रहो, उनसे बात करो, उनसे ट्राई टू टेक अ रेफरल फ्रॉम देम. एंड एज अ लास्ट, कि डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई ऑन अ कंपनी पोर्टल. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग बस ज्यादातर देखते हैं कि कौन सी कंपनीज वैकेंसीज है कौन सी नहीं है, बस इतना देख के फिर वो इधर उधर से कैसे भी सोर्स लगाते हैं. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उस कंपनी को आपको फॉलो करना है लिंक्डइन पे, क्योंकि जितने भी जॉब्स पोर्टल निकलेंगे वो अपनी कंपनी अपने ही पोर्टल पे निकालती है. तो लेट्स सी सम इंटरेस्टेड फैक्ट्स देख लेते हैं. लेट्स से ये मेरा लिंक्डइन है. अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो तो आप यहाँ पे इस सर्च बॉक्स में क्या सर्च करोगे कि आपको ऐसा मिलना चाहिए. तो इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, आपको वो नोट कर लेना है. लेट्स से मैं डालता हूं इंसिडेंट रिस्पॉन्स. अब इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैंने डाल दिया है, जस्ट अ सेकेंड, वेलकम. ओके, सी है. अब मैंने इंसिडेंट रिस्पांस डाला. इंसिडेंट रिस्पांस डालने पे मुझे कितनी दिखा रहा है, क्या 1676 जॉब रिजल्ट्स दिखा रहा है. बट यहाँ पे आपको नीचे आना है और हर एक कंपनीज में देखना है कि कौन सी कंपनीज में है. अब ये पहला कीवर्ड है, अभी बहुत सारे कीवर्ड हैं, 4 या 5 कीवर्ड्स हैं, वो आपको नोट कर लेने हैं जो जो मैं बताने वाला हूँ. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेटेस्ट 4 डेज अगो पहले एज ए थ्रेट हंटर
में निकला है, अगर आपको थ्रेट हंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप एज अ थ्रेट हंटर अप्लाई कर सकते हो। डेलॉइट इंडिया ऑफिस ऑफ द यूएस हैदराबाद में निकला है 1 महीने पहले। 2 दिन पहले मिंत्रा पे निकला हुआ है। एज ए इंसिडेंट रिस्पॉन्स कौन से होते हैं, जो साइबर फॉरेंसिक एनालिस्ट होते हैं, मेनली हम उनको इंसिडेंट रिस्पॉन्स कहते हैं, तो वो भी सॉक में ही आते हैं। और देखिए वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट 1 मंथ अगो, 6 डेज अगो, 2 वीक्स अगो सिक्योरिटी एनालिस्ट है ये IBM में पुणे में। तो इस टाइप से आप इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए सर्च कर सकते हैं। और सबसे मेन बात कि यहाँ पे कौन से डेट पे चाहिए आपको, पास 24 वीक्स आवर्स में चाहिए तो वहां से अप्लाई कर सकते हैं आप। एक्सपीरियंस कौन सा है आपका, एंट्री लेवल है, मिड सीनियर लेवल है, उसके हिसाब से आप अप्लाई करो। देन एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स हो गया। अब सेकेंड SOC एनालिस्ट, आप एज अ SOC एनालिस्ट सर्च कर सकते हो। तो आप देखिए आप SOC एनालिस्ट के लिए आप डिफरेंट चीज आ गई, आपको जॉब वही करना है। आप SOC के अंदर बहुत सारी पोजीशंस होती है, एक SOC एनालिस्ट होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स होता है, थ्रेट एनालिस्ट होता है, तो वो सारे के सारे आपको चीजें पता होना चाहिए, वो कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए जिससे आप सर्च कर सको। ये नहीं कि सिर्फ आपको सिर्फ एक कीवर्ड पता है साइबर सिक्योरिटी, सिर्फ आप उसी पर्टिकुलर चीज से आप सर्च कर रहे हो। तो यहाँ से मैंने SOC एनालिस्ट से सर्च किया, आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु में 1 मंथ अगो दिखा रहा है, जस्ट थ्री वीक्स अगो SOC एनालिस्ट L1 के लिए दिखा रहा है। तो जो फ्रेशर्स हैं वो हैदराबाद में इस कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी कैसे करना है, जस्ट ओपन इट इन न्यू टैब और यहाँ पे आके ये देखिए सारे के सारे मिल रहे हैं। और सबसे मेन जो चीज है ये जो जॉब अलर्ट ऑफ लिखा हुआ है, इसको आप ऑन कर लो। ऑन करोगे तो एटलीस्ट आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, जो भी न्यू वैकेंसीज निकलेगी आपको हमेशा नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि क्या चीजें हैं, क्या क्या इनको चाहिए। गुड टू हैव अ सिक्योरिटी CS का सर्टिफिकेशन है तो इट्स वेल एंड गुड। क्या रिक्वायर्ड स्किल्स है, अच्छा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, अगर कहीं पे L1 लिखा हुआ है, L1 अगर आप फ्रेशर हो सिक्योरिटी एनालिस्ट में और एक्सपीरियंस मांग रहा है 3 to 10 years, तो आपको वो अप्लाई करना है। आपके पास भले से वो 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है L1 के लिए, क्योंकि L1 जो होते हैं वो फ्रेशर से ही लिए जाते हैं, कंपनीज लिख देती हैं लेकिन वो बाद में हायर ऐसे ही करती हैं। ओके, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई कर सकते हो आप, राइट। अब एक SOC एनालिस्ट हो गया, आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट से सर्च कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट से आ गया। यहाँ पे आप फिल्टर मार सकते हो, एक्सपीरियंस कितना है आपका, कंपनी कौन सी आपको चाहिए, जिस कंपनीज में भी देखना है आपको, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया, ये कीवर्ड्स आप नोट करते जाइएगा, राइट। एंड नेक्स्ट है सिम एक्सपीरियंस। सिम एक्सपीरियंस मींस वो कंपनीज आपको शो करेगा जो सिम यूज करती हैं, जो एज अ SOC के लिए काम कर रही हैं, राइट। तो यहाँ पे ये देखिए उसके लिए बता रहा है। तो ये सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं, वैसे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में, अगर आप किसी दूसरे डोमेन्स में से हैं तो आप अपने डोमेन में सर्च करो कि कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, और वो सारे के सारे कीवर्ड्स आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिक्वायर्ड स्किल्स है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि एक्चुअल में किस चीज के लिए इनको चाहिए, कौन सी जॉब के लिए इनको चाहिए, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको HR से कनेक्ट होना है। तो जितने भी आपको मिलते हैं, लेट से साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग आपको पर्सन चाहिए, राइट, एनालिस्ट के, तो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट सर्च करो और एज अ जॉब नहीं, एज अ पीपल पे क्लिक करो आप। इट इज टेकिंग टाइम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जो फ्रेशर्स हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप जाके इस कंपनी में अप्लाई करो। ये देखो पोस्टेड 3 वीक्स अगो है, ओनली 70 व्यूज है, राइट। कुछ एरर बता रहा है, स्टिल लोडिंग।
ओके नेट स्लो नहीं रहा। ओके सी, अब अगर सिम एक्सपीरियंस जो मैंने पहले सर्च करा था, सिम एक्सपीरियंस में आप यहाँ से देखो कनेक्ट हो सकते हो इन पर्सन से, जितने भी सी ऑल कर सकते हैं आप, जितने भी पर्सन से आप कनेक्ट होना चाहते हो कनेक्ट हो जाओ, और उन्हीं से हो जो जो आपके डोमेन से हैं उनसे ज्यादा मैक्सिमम आप ट्राई करो। अगर आप किसी कंपनी में, पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई कर रहे हो कि लेट्स से एसेंचर में आप अप्लाई करना चाहते हो, तो एसेंचर के जो पर्सन हैं उस पर्टिकुलर डोमेन में उनको आप कनेक्ट करो, ट्राई टू इन्वॉल्व देम, उनसे बात करने की कोशिश करो, एंड देन टेक अ रेफरेंस फ्रॉम देम। वहां से जब आपको रेफरेंस मिलता है तो 95% आपके चांसेस रहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन इंटरव्यू, ऐसा नहीं है कि, और जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है वो हमने पिछले वीडियोज में कवर कर रखे हैं, जो भी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के डोमेन के हैं वो पिछले वीडियोज हमारे देख सकते हैं कि एक्चुअल में क्या वर्क फ्लो है सॉक एनालिस्ट का, और कैसे प्रोसीड करते हैं, क्या इंटरव्यू के क्वेश्चन है, क्या सैलरी है। सबसे सबसे मेन जो चीज है वो यहीं अटकती है कि सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करोगे भाई, तो आप वो चीजें वहां पे जाके देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। सो ओके एट लास्ट यू कैन कनेक्ट विद मी, इवन जिसको इंटरेस्टेड है एटलीस्ट दे कैन सेंड मी सीवी ऑन माई लिंक्डइन, आप कनेक्ट हो सकते हो। ये सारी के सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट अस नो ऑन विच टॉपिक्स यू वॉन्ट सम वीडियोज, लाइक अगर साइबर सिक्योरिटी से हैं आप तो आपको अगर स्प्लंक पे चाहिए, क्योंकि स्प्लंक की सीरीज तो हम वैसे भी करने वाले हैं, मे बी मोस्ट प्रोबेबली ये 2-3 दिन में आ जाएगी, तो उसके अलावा आपको कौन से टॉपिक्स पे चाहिए जिससे आपको लगता है कि आपको सीखना है, लाइक बग हंटिंग है, बग हंटिंग पे भी हम बाद में कवर करेंगे, बट डेफिनेटली वी वांट सम फीडबैक फ्रॉम योर साइड। सो कमेंट बिलो, और आप बताइए कैसा लगा आपको। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।